गुड इवनिंग इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। पहला टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल का। अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, SFD और BMD का। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे और इसके बाद जो है सो हम देखेंगे कि मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद जो है तो हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। इसमें भी कुछ आपको ज़्यादा तो ज़्यादा पॉइंट तो नहीं है इसमें, सारा तो कैलकुलेशन वाला ही है, पर कुछ कुछ आपको पॉइंट जो थियोरेटिकली आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हो गया फिक्स्ड इन मोमेंट। फिक्स्ड इन मोमेंट तो आपको स्ट्रक्चर में उसे ज़रूरत है, फिक्स्ड इन मोमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। और जैसे और आपको क्या ज़रूरत पड़ जाएगा कि सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसके थोड़े बहुत की ज़रूरत होगी, बाकी और इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको मोस्टली जब भी पूछा जाता है तो या तो सिंपल ड्राइंग दे दिया जाता है या फिर आपको थियोरेटिकल पर्पज से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछना है। चलिए आप आगे करते हैं, और अब आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आप पुराने कंसेप्ट को रिवीजन करते रहिए, आपका अच्छा पकड़ बन जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस जितना क्वेश्चन आप किए रहोगे उतना ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। तो चलिए अब SFD BMD पर आगे चलते हैं। आज हम इसमें आते हैं और पहला क्वेश्चन करते हैं 327 से। द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम ऑन अ सेक्शन, बोला है द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम ऑन द सेक्शन वेयर शियर फोर्स। यहाँ पे शियर फोर्स क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम ऑन द सेक्शन में शियर फोर्स। अच्छा एक चीज पहले आपको मैं एक कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए अगर आपको कोई ये चीज जैसे आपका ये कोई सॉरी अगर ये आपका कोई लाइन है या फिर मान के चलिए कि ये कोई आपका एक्सिस है, ठीक है। और इसके बाद क्या कर रहा है कि अगर इसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा, शियर फोर्स या बेंडिंग। अगर यहाँ पे देखिए जहाँ पे पॉइंट बेंडिंग मोमेंट होगा वहाँ पे आपको मैक्सिमम वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का सडन इंक्रीज और डिक्रीज दिखेगा, ठीक है। और जहाँ पे आपको पॉइंट मोमेंट का ज़्यादा नहीं होगा, जहाँ पे पॉइंट लोड होगा वहाँ पे शियर फोर्स मैक्सिमम या फिर ज़्यादा हो सकता है। अब डिपेंड करेगा कि शियर फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब शियर फोर्स जहाँ पॉइंट लोड अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो शियर फोर्स मैक्सिमम होगा, पॉइंट अगर डाउनवर्ड लोड में होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो वहाँ पे आपको शियर फोर्स डिक्रीज करता हुआ दिखेगा, ठीक है। उसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट में जहाँ पे पॉइंट बेंडिंग मोमेंट लगेगा, अगर किसी पॉइंट पे पॉइंट बेंडिंग मोमेंट लग रहा होगा, अगर किसी पॉइंट पे पॉइंट बेंडिंग मोमेंट लगा तो यहाँ आपको या तो अगर क्लॉकवाइज में लग रहा होगा तब तो आपको बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगा, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज में लग रहा होगा तो बेंडिंग मोमेंट आपको वहाँ पे घटता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद कुछ एक कंसेप्ट और देख लीजिए कि अगर कोई भी बेंडिंग मोमेंट कोई भी BMD अगर हम ड्रॉ कर रहे होंगे तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम वहाँ होगा जहाँ शियर फोर्स क्या होगा, जहाँ पे शियर फोर्स आपका मिनिमम या फिर मैक्सिमम होगा। जैसे सपोज दैट अगर हम ये पॉइंट अगर P लगाते हैं तो अगर हमको इसका अगर आप देखोगे, एक मिनट मैं इसको सीधा करके बनाता हूँ। अगर आप एक जैसे कि सपोज दैट ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये आपका इसमें लोड लगा हुआ है P, और ये L डिस्टेंस L/2 और ये भी L/2 डिस्टेंस पे लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका शियर फोर्स सिमेट्रिक सेक्शन है तो आपको पता होगा कि इसका जो सपोर्ट रिएक्शन है तो उसको कैसे लिखते हैं। अगर सपोज दैट मैं इसको RA बोलता हूँ, अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है तो RB बोलता हूँ इसको, तो कैसे लिखते हैं, RA प्लस RB इक्वल टू लोड या फिर माइनस लोड लिखते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस लोड इक्वल टू जीरो, तो इसको यही लिखेंगे, RA प्लस RB इक्वल टू P लिख सकते हैं, ठीक। अब मोमेंट ले लीजिए किसी के समय, अब मोमेंट अगर किसी के डायरेक्शन में लेते हैं अगर B के अकॉर्डिंग लेते हैं जीरो, तो RA इंटू L और माइनस ये हो जाएगा कितना, P इंटू L/2 इक्वल टू जीरो। अब आर ए निकाल लीजिए यहाँ पे से, ये आर ए है
अरे निकाल लीजिएगा तो क्या होगा, पी एल बाई टू, और एल से एल कट जाएगा तो बी बाई टू। और यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि अगर लोडिंग सिमेट्रिक में है और लोड कांस्टेंट है, लोड सिमेट्रिक है और दोनों उस सेक्शन के बराबर में है और पॉइंट लोड है या फिर यूडीएल है और वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो उस समय में क्या था, लोड आधा आधा सपोर्ट ले लेता है। तो ये आ गया पी वाई टू और ये आ गया पी वाई टू। ये सिंपल कंसेप्ट में बता रहा हूँ, आप यहाँ से देख लोगे यहाँ से बहुत सारा चीज़ क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो आप इसका एस एफ डी कैसे ड्रॉ करोगे, ये तो हो गया पी वाई टू, ये पी वाई टू हो गया। उसके बाद चलिए यहाँ आइए और इस पॉइंट पे क्या है, पी का डिक्रीज है तो पी वाई टू तो यही है, पी वाई टू नीचे आएगा। फिर यहाँ से क्या करेगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई लोड नहीं है, दो पॉइंट लोड के बीच में जो है शेयर फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पे फिर है पी वाई टू तो पी वाई टू आ गया, फाइनली मैच कर गया। तो ये आ गया क्या, ये आपका है पॉइंट सी। तो अब बोलता है कि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट पहले पी वाई टू से बेंडिंग मोमेंट जीरो पे हुआ है, ये शियर फोर्स पी वाई टू, यहाँ पी वाई टू बढ़ता जा रहा था लेकिन पी वाई टू से जीरो पे आया, जीरो से फिर पी वाई टू नीचे की तरफ बढ़ा है और उसके बाद हुआ है। तो यहाँ पे शियर फोर्स जीरो हो रहा है। तो अगर हम इसका बीएमडी ड्रॉ करें तो बीएमडी ड्रॉ करेंगे तो क्या लिखेंगे, इस अगर इसी सेक्शन पे अगर हम बेंडिंग मोमेंट क्या वैल्यू देखें तो कोई लोड नहीं है, सिर्फ आरे है, आरे इंटू एल बाई टू यानी कि पी बाई टू इंटू एल बाई टू। तो यहां से ड्रॉ कर दिए इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन और ये हो गया आपको। और फिर यहां से क्या होगा, सेम डिक्रीज करेगा, ठीक। और ये वैल्यू कितना होगा आपका, पी एल बाई फोर आया ना, पी पी बाई टू एंड पी एल बाई फोर। क्या देख रहे हैं, जिस पॉइंट पे शियर फोर्स जीरो हो रहा है उसी पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है, ठीक है। और अगर यही चीज अगर फिक्स बीम में करें, अगर ये सपोर्ट फिक्स होता, अगर सपोज दैट मैं हाइपोथेटिकल केस मान के चल रहा हूँ कि अगर ये फिक्स होता, अगर ये सपोर्ट अगर आपका फिक्स होता अभी, तो आप क्या लेते, तब भी पी बाई टू होता, शियर फोर्स तो यही होता। लेकिन बीएमडी अगर ड्रॉ कर रहे होते तो इसका फिर बीएमडी आपको क्या मिलता, आपको बीएमडी आपको ये नहीं मिलता, बीएमडी आपको मिलता ये वाला मिलता, ये पी वाई टू आपका, ये जो बेंडिंग मोमेंट आता ये फिक्स्ड अगर होता तो ये फिक्स्ड एंड मोमेंट आता और फिर ये ऐसे जाता, ठीक है, और ये वाला वैल्यू बनाता, ठीक है। तो इसमें अगर इसमें इस जब दोनों एंड फिक्स होता है तो उस समय कंसेप्ट लगता है फिक्स्ड एंड मोमेंट वाला, ठीक है। और फिक्स्ड एंड मोमेंट आपको पता है होगा कि अगर कोई भी बीम अगर फिक्स्ड हो और पॉइंट मोमेंट इस पे पॉइंट पॉइंट लोड देकर इस पे लग रहा हो तो इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना लिखते हैं, डब्ल्यू एल बाई एट, और इधर भी लिखते हैं डब्ल्यू एल बाई एट लिखते हैं, ठीक है। तो और इसका जो एस एफ डी तो यही रह जाता है। और लेकिन अगर बीएमडी की बात करेंगे तो बीएमडी क्या हो जाता है, बीएमडी जो मैंने आपको बना के दिया है ये बीएमडी हो जाता है। और इसका जो वैल्यू होता है ये वाला, ये होता है डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एल बाई एट, और ये भी होता है डब्ल्यू एल बाई एट, और इसकी बात करें तो ये भी होता है कितना, डब्ल्यू एल बाई एट, ये भी डब्ल्यू एल बाई एट। अब बात करेंगे अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर की, तो ये और ये जहां पे इस एक्सिस को जो ये दो पॉइंट पे काटा जा रहा है इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। क्या कि बेंडिंग मोमेंट क्या है कि अगर हम इसको नीचे माइनस मान के चलते हैं, ऊपर सॉल्व प्लस और नीचे माइनस, तो बेंडिंग मोमेंट देख रहा है कि माइनस से प्लस जा रहा है फिर प्लस से फिर माइनस की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट चेंज साइन कर रहा है, किसको बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर बोलते हैं इसको। और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर को जो इसका जो डिफ्लेक्टेड डायग्राम होगा, अगर ये पॉइंट लोड है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे डायग्राम बनता है करीब करीब। तो ये जो पॉइंट है जहाँ से ये इसको जो ये वैल्यू चेंज हो रहा है इसको बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। और इसी चीज को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एक इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ वर्चुअल हिंज बोलते हैं, पॉइंट ऑफ वर्चुअल हिंज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका तीन नाम मैंने आपको बता दिया, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और इसके बाद पॉइंट ऑफ वर्चुअल हिंज।
ये तीन आपको नाम मैंने बता दिया, तो यही कंसेप्ट है आपको, ये बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ये सारे कंसेप्ट अभी आगे यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोलता है द बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम ऑन अ सेक्शन में शियर फोर्स क्या होगा, जहां पे शियर फोर्स क्या होगा, या तो जीरो होगा, शियर फोर्स जीरो होगा, या फिर शियर फोर्स मिनिमम होगा, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या लेके चलेंगे, शियर फोर्स क्या होगा, जहां पे शियर फोर्स चेंज कर रहा होगा वहीं पे शियर फोर्स क्या होगा, यहाँ पे शियर फोर्स क्या कर रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है, शियर फोर्स जहाँ पे चेंज हो रहा है वहीं पे बेंडिंग मोमेंट क्या है, मैक्सिमम है। तो कह रहा है द बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम ऑफ अ सेक्शन वेयर शियर फोर्स चेंजेस साइन, ठीक है। तो आपको ये भी दिखा दिया। और अगर हम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट की बात करें, अगर उस पॉइंट पे बात करेंगे, तो पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम या मिनिमम डिपेंड करेगा कि नेवर में क्या कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग बात करेगा। तो पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम किसी भी पॉइंट की बात करेंगे जहाँ पे वो करेगा, तो वहाँ पे भी हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाएगा और आगे क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट भी। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब चलिए 328 पे आइए। द एम इज द एक्सटर्नल मोमेंट व्हिच रोटेट द नियर एंड ऑफ अ प्रिज्मेटिक बीम विदाउट ट्रांसलेशन एंड द फार एंड बीइंग फिक्स्ड देन द मोमेंट इंड्यूस्ड एट द फार एंड। इसके कहने का है कि एक ये ऐसा है और यहाँ पे लगा हुआ है आपको ये वाला, ठीक है, और ये फार एंड फिक्स्ड है। बोल रहा है कि अगर यहाँ पे एक हम मोमेंट लगा दे रहे हैं, तो बोला है फार एंड पे मोमेंट कितना होगा, अगर ये सैगिंग मोमेंट है, यानी कि अगर ये ये बीम को सैग कर रहा है, तो इस सैगिंग वाला ही मोमेंट लगेगा, लेकिन फार एंड पे मोमेंट कितना हो जाएगा, जितना मोमेंट यहाँ लग रहा होगा उसका आधा मोमेंट फार एंड पे, फार एंड अगर फिक्स्ड हो तो मोमेंट क्या होता है, हाफ हो जाता है, इसको लिखते हैं एम बाई टू। तो आगे आइए 328 में, 328 का आंसर क्या बोल रहा है कि जीरो होगा, जीरो तो नहीं होगा, बेंडिंग मोमेंट इन द सेम डायरेक्शन एज एम, हाँ तो ये सही है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये एम सही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं 328 पे आइए। इन कंटिन्यूस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम द पॉइंट वेयर इट चेंजेस साइन, पॉइंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉइंट वेयर चेंजेस साइन देन द पॉइंट, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलते हैं, वर्चुअल हिंज बोलते हैं, या ऑल ऑफ द एवब बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एवब, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था कि उस पॉइंट को तीनों पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। आपको जो डिफ्लेक्टेड एज में वो होगा, लेकिन इस कॉन्टेक्ट अगर ये क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो वो बोलते हैं। अभी आपको ये मैंने ये बताया है, यही आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ये बताया है, और इसी का मैंने तीसरा इसको आपको तीसरा नाम भी बताया था, अभी पॉइंट ऑफ क्या बताया था, पॉइंट ऑफ वर्चुअल हिंज बताया था, ठीक है। तो इसका तीसरा नाम भी आपको याद रखना है, यही कॉन्सेप्ट बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आ जाएगा, चलिए ये सबको हटाइए, इसका आंसर हो जाएगा डी, 329 हो गया। 330 पे आइए, 330 पे द शियर फोर्स क्या बोल रहा है द फोर द बीम शियर स्पैन इज डिफाइंड एज द जोन वेयर शियर फोर्स, शियर स्पैन क्या होता है, शियर स्पैन वो स्पैन होता है जहां पे शियर फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो जैसे कैसे आप कैसे बोलोगे कि देखो, जैसे कि ये दो पॉइंट लोड लगा होगा और ये एक ये लोड है, ठीक है। तो अगर हम इसको पी बाय, अगर ये पी लगा होगा और ये पी लगा होगा, तो इसका लोड क्या क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक मान लेते हैं हम, सारा लोड बराबर है, ठीक है। इसको भी मान लीजिए L/3 और L/3, तीनों को L/3 मान लीजिए। अगर ये है और ये इक्वल लोड पे लग रहा है, तो ये भी L/3, ये L/3 और L/3, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का कंटेक्स्ट नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तीनों L/3 पे है और ये पी और पी है। तो इसमें अगर हम इसका SFD बनाएं तो ये लोड कितना आ जाएगा, PP सिमेट्रिक है, आपको बताया था कि सिमेट्रिक है तो लोड ट्रांसफर हो जाता है, तो हो गया ये, आ गया क्या P, और यहाँ से आ गया कितना
और यहाँ पे सडन पी, अब इसके बाद क्या है, कोई लोड नहीं है ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे अगर हम आएंगे तो देखेंगे कि एक लोड फिर पी नीचे जा रहा है और लास्ट में क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो अगर हम इसको ए बी सी और डी मान दें, ए बी सी और डी मान दें ठीक है, तो इसमें क्या होगा, शियर फोर्स यहाँ क्या दिख रहा है, शियर फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट है ठीक है, लेकिन यहाँ पे शियर फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे शियर फोर्स कितना है, पी है, और ये माइनस में है और ये प्लस में है ठीक है, तो ये इससे उस सेक्शन बी सी जो है आपका शियर फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। उसी तरीके से बोल रहा है द शियर स्पैन इज डिफाइंड एज द जोन वेयर शियर फोर्स क्या होगा, इसी को बोलते हैं शियर स्पैन, शियर फोर्स जहाँ पे कॉन्स्टेंट होगा ठीक है। चलिए 330 331 पे आते हैं, 331 पे आते हैं, फॉर द बीम सब्जेक्टेड टू द पॉइंट लोड द शियर फोर्स बिटवीन द पॉइंट लोड, अभी आपको बताया था दो दो पॉइंट लोड के बीच की बात करेंगे तो शियर फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर हम अगर यहीं पे दो पॉइंट लोड के बीच में अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो वेरिंग लीनियरली होगा, तो और अगर दो मोमेंट के बीच, दो यूडीएल के बीच की बात करें, दो यूडीएल के बीच की बात करेंगे तो शियर फोर्स कैसे होगा, दो यूडीएल की बात करेंगे तो शियर फोर्स होगा इसका इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन और इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, और इसका बीएमडी होगा पाराबोलिक, बीएमडी होगा इसका पाराबोलिक, दो स्ट्रेट लाइन दो यूडीएल के बीच की बात करेंगे तो इसमें आ रहा है द पॉइंट लोड है, द बीम सब्जेक्टेड टू टू पॉइंट लोड द शियर फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट, टू पॉइंट के बीच का शियर फोर्स क्या होगा, शियर फोर्स रिमेन जीरो, पैराबोलिक वेरिएशन नहीं होगा, बेरिंग लीनियरली, लीनियरली कब होगा, जब बेंडिंग मोमेंट की बात करेगा, लेकिन यहाँ पे बात क्या कर रहा है, शियर फोर्स की बात कर रहा है ठीक है, शियर फोर्स की बात कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट होगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ये हो गया, इसके बाद आते हैं 332 पे आइए, द रिएक्शन एट द रोलर सपोर्ट ऑफ द बीम, रोलर सपोर्ट अगर ये कोई रोलर सपोर्ट है तो इसका रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, इसका रिएक्शन यही वाला लिखते हैं, इसका रिएक्शन क्या लिखते हैं, नॉर्मल लिखते हैं, 332 का क्या हो जाएगा, नॉर्मल टू नॉर्मल क्या है, नॉर्मल टू सपोर्ट ना, नॉर्मल टू सपोर्ट हो जाएगा ठीक है, 332 हो गया। 333 पे आते हैं, 333 पे आते हैं, तो बोल रहा है कि एट द हिंज ऑफ बीम, हिंज पे क्या होगा, एट द हिंज ऑफ बीम हिंज पे क्या होगा, अगर ये कोई हिंज है या फिर इंटरनल हिंज है तो यहाँ पे क्या होगा, समेशन ऑफ मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, समेशन ऑफ मोमेंट जीरो होता है, तो इसको लेके चलेंगे समेशन ऑफ मोमेंट जीरो, तो बेंडिंग मोमेंट इज जीरो। 333 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 333 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा 333 का। 334 पे आते हैं, 334 पे आते हैं और ये बोल रहा है क्या कि द बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ बीम बीम विथ इक्वल ओवर हैंग, पहले तो एक हम बीम बनाते हैं ठीक है, और ये बोल रहा है कि इक्वल ओवर हैंग है, अगर ये ए है, अगर ये ए है, इक्वल ओवर हैंग हो गया। उसके बाद आइए इसमें आगे बढ़ते हैं, इक्वल ओवर हैंग एंड कैरिंग अ इक्वल पॉइंट लोड इच ऑफ पी एट द फ्री इंड, अगर ये फ्री इंड है, अगर ये आर ए है और ये आर बी है, ये बी है, ये ए है और ये सी और ये डी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोल रहा है पॉइंट थ्री लोड पे क्या है, पॉइंट लोड लगा हुआ है ठीक है, इस पे पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो आपसे बोल रहा है क्या, आपसे बोल रहा है कि इक्वल लोड देन द शियर फोर्स ऑफ द बीम पोर्शन, शियर फोर्स फॉर द बीम पोर्शन बिटवीन द सपोर्ट इस, और शियर फोर्स बोल रहा है सपोर्ट के पोर्शन में क्या होगा ठीक है, तो शियर फोर्स आपको निकालना है, तो शियर फोर्स इस दोनों के सपोर्ट के बीच में क्या निकालोगे आप, 334 में बताओ, तो आप क्या करोगे, चलिए ड्रॉ करते हैं इसको, सॉरी वो थोड़ा एक मिनट डिस्टर्ब हो गया था, इसका अगर हम ये बनाते हैं तो इस पे क्या लिखोगे, पी है तो ये लोड कितना देगा, पी
सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो आप निकालोगे तो इस पे पी पी ही आएगा। शियर फोर्स की बात करें तो ये क्या आएगा नीचे, ये आ जाएगा आपको पी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पी, और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, कोई लोड नहीं, कांस्टेंट। फिर यहाँ से आप यहाँ क्या देखोगे, पी ऊपर जा रहा है, और फिर यहाँ देखोगे कि लोड नीचे आ रहा है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, ये भी पी है। तो बोल रहा है आपको कि शियर फोर्स इन दोनों के बीच में क्या होगा, तो शियर फोर्स यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, तो कांस्टेंट तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, जीरो लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या लेके चलेंगे, जीरो लेके चलेंगे। ठीक है, 334 हो गया, 335 पे आते हैं। ठीक है, 335 पे आते हैं, 335 में द पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज ऑल्सो नोन एज, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज ऑल्सो नोन एज, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोल रहा है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर को पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्स, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, और पॉइंट ऑफ वर्चुअल हिंज दोनों बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ वर्चुअल हिंज दोनों बोलते हैं। तो इसका आंसर वो क्या हो जाएगा, इधर एबव दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी। 336 पे आइए, द फ्लेक्चरल रिजिडिटी ऑफ अ बीम, फ्लेक्चरल रिजिडिटी अब देख लीजिए कि फ्लेक्चरल रिजिडिटी के बारे में बोला है, तो फ्लेक्चरल रिजिडिटी होता है आपका ये, यही होता है फ्लेक्चरल रिजिडिटी। अब आपको बाकी मैं एक दो चार रिजिडिटी और बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे। देखिए फ्लेक्चरल रिजिडिटी, फ्लेक्चरल रिजिडिटी, रिजिडिटी इसको बोलते हैं ई आई। उसके बाद आ जाइए शियर रिजिडिटी, शियर रिजिडिटी आपको ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, शियर रिजिडिटी को बोलते हैं क्या, शियर रिजिडिटी जी ए, जी ए। और उसके बाद आ जाता है टॉर्सनल रिजिडिटी, टॉर्सनल टॉर्सनल रिजिडिटी इसको बोलते हैं जी जे। और उसके बाद आता है एक्सियल रिजिडिटी, एक्सियल रिजिडिटी, एक्सियल रिजिडिटी, एक्सियल रिजिडिटी को बोलते हैं ई ए। ठीक है, आपको ये सारे रिजिडिटी मैंने बता दिए हैं, आप इसको क्या करेंगे कि नोट कर लेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर इसको करने में कोई दिक्कत ना रह जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम अपना अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, और ये हो गया, चलिए 337 पे आते हैं। इन फिक्स्ड बीम एट द फिक्स्ड इंड फिक्स्ड इंड पे क्या होगा, अगर ये कोई फिक्स्ड बीम है तो इसका डिफ्लेक्टर शेप बनाइए। डिफ्लेक्टर शेप कुछ ऐसा बनाते हैं हम, तो यहाँ पे क्या होता है, थीटा भी जीरो होता है और डेल्टा भी जीरो होता है, यहाँ पे भी थीटा जीरो होता है और डेल्टा जीरो होता है, यानी कि डिफ्लेक्शन जीरो होता है, स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों जीरो होता है। तो चलिए क्या बोल रहा है, द फिक्स्ड बीम द स्लोप इज जीरो एंड डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम, नहीं स्लोप इज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज जीरो, नहीं बोथ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आर मैक्सिमम, नहीं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आर जीरो। 337 का क्या हो जाएगा, 337 का आंसर हो जाएगा आपका डी, या कि स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों जीरो होता है। 338 पाइए, अ फिक्स्ड बीम इज सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड एट द मिड स्पैन, अब फिक्स्ड बीम है और सब्जेक्टिव टू क्या बोल रहा है, ये फिक्स्ड बीम है और सब्जेक्टिव टू ये क्या कह रहा है कि ये एक आपको लोड लग रहा है मिड पॉइंट पे। ठीक है, ये बोल रहा है कि मिड पॉइंट पे पैन लग रहा है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कितना होगा, अभी आपको इसका बीएमडी बना के दिखाया था आपको, मैंने आपको टोटल बीएमडी ये बना के दिखाया था, और इसको बताया था कि ये होता है WL/8, ये भी होता है WL/8, और ये जो मैक्सिमम बेंडिंग होता है ये WL/8 ही होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कितना आ गया इसमें, दो आ गया, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कितना आया, दो आया, तो इसका आंसर क्या लिख के चलेंगे, 338 का बी लिख के चलेंगे। ठीक, 339 पे आते हैं, 339 पे आइए, व्हेन देयर इज अ सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन द एनी लोकेशन, सडन इंक्रीज और डिक्रीज एट एनी पॉइंट, इट इंडिकेट दैट द लोकेशन इज पॉइंट लोड, सडन इंक्रीज और या फिर डिक्रीज होगा किसमें, इंक्रीज और डिक्रीज इन शियर फोर्स डायग्राम में, ये बोल रहा है एसएफडी की बात कर रहा है।
ठीक है, SFD की बात कर रहा है, तो उस पॉइंट पे क्या बोला, सडन इंक्रीज या फिर डिक्रीज कब हो सकता है, पॉइंट लोड होगा उस पॉइंट पे, पॉइंट लोड होगा। अब इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा वो डिपेंड करेगा, अगर किसी भी पोर्शन पे पॉइंट लोड अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो शियर फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, शियर फोर्स डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर पॉइंट लोड अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तब शियर फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यही कंसेप्ट आपसे ये पूछा है, ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग पहले क्वेश्चन पे ही आपको ये कंसेप्ट बता दिया था। चलिए 339 पे, 340 पे आते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स मतलब dv बाय dx की बात कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इक्वल टू क्या आता है, लोडिंग डायग्राम, लोडिंग इंटेंसिटी होता है, लोडिंग इंटेंसिटी होता है। अब इसमें आ जाएगी इंटेंसिटी, बेंडिंग मोमेंट, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। 340 का आपका आंसर क्या हो गया, 340 का आंसर हो जाएगा आपका बी। और इसी एक चीज़ और, एक चीज़ और देख लीजिए, dm बाई dx क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर ये बेंडिंग मोमेंट पूछा होता है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं शियर फोर्स के बराबर, यानी कि इसको लिखते हैं शियर फोर्स के बराबर होता है, उसको शियर फोर्स बोलते हैं, या इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 341 पे आते हैं। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, अभी बताया था पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बेंडिंग मोमेंट इज चेंजेस साइन, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, शियर फोर्स इज मैक्सिमम, और बोल रहा है कि नन ऑफ द एबव होगा। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पे अभी आपको बताया था क्या, कि अगर अभी मैंने आपको एक बीएमडी बना के बताया था कि अगर सपोज दैट अगर ये ऐसा था, अभी लास्ट वाला ही क्वेश्चन लेते हैं, तो यही है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ये जो डिफ्लेक्टेड कर्व बनेगा यहीं पे बनेगा ना, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो इसको यहाँ से क्या हो रहा है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो बीएमडी का साइन माइनस से प्लस हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, बेंडिंग मोमेंट क्या कर रहा है, चेंज साइन कर रहा है इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद ऊपर में जा रहा है पॉजिटिव और नीचे जा रहा है निगेटिव, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। कंसिडर द फॉलोइंग, बाइंडिंग मोमेंट इज अ मोमेंट अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, नहीं, बाइंडिंग मोमेंट अगर हम जब भी लिखते हैं तो ये किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, बाइंडिंग मोमेंट अगर हम लिखते हैं तो ये न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट लिखते हैं, ठीक है, ये लिखते हैं न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, बाइंडिंग मोमेंट हमेशा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट लिखते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो गया गलत। द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कैन नॉट हैव एक्सियल फोर्स एंड शियर फोर्स टुगेदर। देखिए अगर एक्सियल, अगर ये कोई स्ट्रक्चर कंपोनेंट है सपोज दैट, और अगर इस पे लोड लगा रहे हैं तो इस पे क्या आ रहा है, सिर्फ शियर फोर्स आ रहा है, सॉरी इसको काटिए, सॉरी चलिए इसको हैंड डायग्राम से बनाते हैं। देखिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस नहीं होता है, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता, ये न्यूट्रल एक्सिस होता है, और बोल रहा है कि अगर कोई ये लोड, अगर ये कोई बीम है, अगर यहाँ पे लोड लग रहा है तो ये क्या करेगा, ये शियर फोर्स देगा, शियर फोर्स देगा, ठीक है, लेकिन एक्सियल फोर्स नहीं देगा, एक्सियल फोर्स के लिए लोड ऐसे होना चाहिए, ठीक है, तब ये एक्सियल फोर्स देता, अगर ये भी एक्सियल फोर्स नहीं देगा। लेकिन अगर हम लोड को इंक्लिनेशन पे लगा दें, अगर ये एंगल थीटा कर दे, तो तब ये क्या करेगा, इसका इसका कंपोनेंट कर देगा, इसका कंपोनेंट कर देगा, एक फोर्स इधर और एक फोर्स क्या होगा इधर। अब इसको क्या लिखेंगे, अगर ये P है तो इसको लिखेंगे क्या, P cos थीटा, और इसको लिखेंगे क्या, P sin थीटा, ठीक है, तो दो लोड का दो कंपोनेंट हो गया, तो दोनों में आ गया ना, अब ये एक्सियल भी आ गया, एक्सियल भी आ गया और शियर भी आ गया, शियर फोर्स भी आ गया, दोनों लोड आ गया। तो इसमें बोलता है द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कैन नॉट हैव एक्सियल फोर्स एंड शियर फोर्स टुगेदर, हो सकता है लेकिन इंक्लाइंड लोड होना चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या होगा, ये भी गलत और ये भी गलत, बोथ वन एंड टू आर इनकरेक्ट हो जाएगा, 342 का डी हो जाएगा। 343 पे आइए, द बिटवीन द पॉइंट लोड द वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स, अभी आपको बताया था दो अगर पॉइंट लोड होगा तो शियर फोर्स का वेरिएशन लीनियर होगा, बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन इंक्लाइन होगा, लेकिन अगर हम दो यूडीएल की बात कर रहे हैं तो दो यूडीएल के बीच का अगर हम शियर फोर्स की बात करेंगे तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, ये शियर फोर्स का होगा और पाराबोलिक हो जाएगा आपको किसका, ये हो जाएगा बीएमडी का, और ये है शियर फोर्स का और ये है बीएमडी का। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको बताया था, अभी आपको मैंने पीछे बता दिया बहुत अच्छे से, अब यहाँ इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आप ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। द बिटवीन द पॉइंट लोड ऑफ द वेरिएशन द शियर फोर्स इज लीनियर, 343 का आंसर हो जाएगा क्या, 343 का आंसर हो जाएगा आपका
ए, ठीक है, 343 का आंसर हो गया ए। 344 पे आइए, सॉरी, लीनियर तो मान दिया, लीनियर तो ये बीएमडी का होता है, मैंने इसका लीनियर मार दिया ना, ये बीएमडी का होता है, सॉरी, ये बीएमडी का होता है, कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन या फिर कांस्टेंट होता है, ये होता है शियर फोर्स का, ये होता है शियर फोर्स का, ठीक है, ये बीएमडी नहीं होगा, ये बीएमडी नहीं होगा, ये लीनियर नहीं होगा, लीनियर बीएमडी में होता है, अभी तुरंत बताया था, ये होता है बीएमडी के लिए, बीएमडी में लीनियर और शियर फोर्स में कांस्टेंट, तो आंसर हो जाएगा आपका 343 का बी, ठीक है। 344 पे आइए, 344, इफ द शेप ऑफ द केबल इज पाराबोला, अगर अगर ये कोई केबल है और अगर ये पाराबोलिक हो जा रहा है, ठीक है, पाराबोला, इट इंप्लाइजेस दैट द इस सब्जेक्टेड टू क्या होगा, अगर हम इस पर पॉइंट लोड बना दें, अगर इसको हम यूडीएल बना दें, तो ये इसका शेप भी क्या हो जाएगा, पैराबोला की जैसा होगा, तो यही शेप की बात ये कर रहा है, तो बोल रहा है क्या, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा, तो 344 का आंसर क्या लिखेंगे हम, 344 का आंसर लिखेंगे बी। 345 पे आइए, 345 पे आएंगे, इन केस ऑफ द प्योर बेंडिंग द बीम विल बेंड इन टू आर्क ऑफ सर्कल, प्योर बेंडिंग का केस में क्या होगा, प्योर बेंडिंग के केस में आर्क ऑफ सर्कल के रूप में क्या करते हैं कि बीम बेंड कर जाता है, ठीक है। 346 पे है, सॉरी, व्हेन द टाइप ऑफ सपोर्ट, व्हिच टाइप ऑफ सपोर्ट प्रिवेंट द मोमेंट ऑफ द सपोर्ट इन ईच ऑफ द थ्री डायरेक्शन, व्हिच टाइप ऑफ सपोर्ट प्रिवेंट द मोमेंट ऑफ द सपोर्ट इन ईच थ्री डायरेक्शन, ये होता है सपोर्ट नहीं, बॉल एंड सॉकेट सपोर्ट, ये होता है बॉल एंड सॉकेट सपोर्ट। 346 का डी हो गया, 347 पे आइए, द बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ सेक्शन इज मैक्सिमम वेयर शियर फोर्स क्या करेगा, यहाँ बेंडिंग मोमेंट का, बेंडिंग मोमेंट सेक्शन में पूछा है, याद रखिएगा, पॉइंट पे नहीं पूछा है, सेक्शन पे पूछा है, मैक्सिमम वेयर शियर फोर्स क्या करेगा, ठीक है, तो इस पे आ जाइए, इस पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको, जहां पे शियर फोर्स क्या करेगा, जिस सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट, द बेंडिंग मोमेंट जहां पे क्या करेगा, साइन साइन को चेंज करेगा, उसी सेक्शन पे क्या होगा, द बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन इज मैक्सिमम वेयर द शियर फोर्स चेंजेस साइन, वहां पे जहां पे शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा है, वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम या फिर मिनिमम, ज्यादा ही नहीं होगा, मैक्सिमम ही नहीं होगा, मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम या मिनिमम वहां होगा जहां पे शियर फोर्स चेंज कर रहा है, ठीक है, तो ये मैक्सिमम, और ये डिपेंड कर जाएगा किसके पे, अगल बगल के लोडिंग पे, यहाँ मैक्सिमम पूछा है तो वही आंसर लेके चलेंगे, ठीक है। 348 पे आइए, द पॉइंट वेयर द मोमेंट, वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस डायरेक्शन इज अ बीम कैरिंग लोड इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, 348 का क्या लिखेंगे, 300 पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, ये सब आपको मैंने बता दिया है आज के क्वेश्चन में, बस थ्योरी को याद रखना है और आगे बढ़ना है। वेयर द शियर फोर्स ऑफ अ बीम इज जीरो, अगर जहाँ पे शियर फोर्स बीम और जीरो होगा, देन बाइंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट पे क्या होगा, जहाँ पे शियर फोर्स जीरो होगा, जहाँ पे शियर फोर्स क्या बोल रहा है, शियर फोर्स जहाँ पे जीरो होगा तो बाइंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो अभी आपको एक वो बताया था ना कि अभी अगर यहाँ पे लोड जा रहा है, और ऐसा वाला एक डायग्राम बनाया था अभी आपको, तो यहाँ पे शियर फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, लेकिन यहीं पे अगर हम बीएमडी बना रहे थे तो क्या देख रहे थे, इसी पॉइंट पे बीएमडी क्या होता, मैक्सिमम होता था, ठीक है, तो इस पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, इसी पॉइंट पे अगर हम बीएमडी बना रहे थे तो ये मैक्सिमम हो जा रहा था, इसको इसका लेके क्या चलेंगे, मैक्सिमम, ठीक है, तो क्या होगा, 343 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। और एक बार एक चीज ये, चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 350 पे आते हैं, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द सिंगल पॉइंट मूविंग लोड ऑन अ सिंपली सपोर्टेड बीम, देखिए अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, और अगर ये पॉइंट लोड मूव कर रहा है, पॉइंट लोड मूविंग पॉइंट लोड को ऐसे नहीं, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाते हैं इसको, ये पॉइंट लोड है और ये मूव कर रहा है, तो क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट मूविंग लोड द सिंपली सपोर्टेड बीम, जहां पे ये लोड होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहां पे क्या होगा, अगर सपोज दैट, अगर ये पॉइंट मूविंग लोड पॉइंट करते करते अगर यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो शियर फोर्स क्या हो जाएगा, शियर फोर्स अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, यही हो जाएगा, और इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का क्या वैल्यू होगा, मैक्सिमम होगा, तो बोलो
द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आर पास सिंगल पॉइंट लोड मूविंग लोड सिंपली सपोर्टेड लोड। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा? जहाँ पे ये लोड होगा, यानी कि लोड के अंदर में होगा। तो द सक्शन अंडर द लोड मिड स्पैन और क्वार्टर स्पैन पे नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या होगा? 350 का, 350 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 350 का आंसर हो गया सी। 351 पे आइए, 351 पे आते हैं। 351 द शियर फोर्स डायग्राम ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज पैराबोलिक। शियर फोर्स डायग्राम SFD पैराबोलिक है। शियर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक है तो पैराबोलिक। देन द लोड ऑन द बीम, लोड बीम पे लोडिंग कैसा होगा? बीम पे लोडिंग शियर फोर्स डायग्राम में लोडिंग बीम पे लोडिंग कैसा होगा? बीम पे लोडिंग हो जाएगा आपका UBL, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, वेयरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, अगर अगर ये UDL होता, देखिए पॉइंट लोड होगा तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? लीनियर हो जाएगा, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट ये पूछ रहा है, द शियर फोर्स डायग्राम SFD पूछ रहा है, SFD पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? अगर ये पॉइंट लोड रहा तो इसका SFD ये ड्रॉ करेंगे। ठीक, अगर ये UDL रहता, UDL रहता तो इसका SFD कैसे ड्रॉ कर रहे होते? ऐसे ड्रॉ कर रहे होते, बीच में कहीं जीरो होता और लीनियर नहीं जा रहा होता। और अगर ये UBL होता, SFD की बात कर रहा है ना, शियर फोर्स डायग्राम की बात कर रहा है, SFD की बात है। अगर ये UBL होता तो एक पॉइंट पे जीरो और एक पॉइंट पे कम, एक पॉइंट पे जीरो होता तो यहाँ क्या होता? अगर यहाँ पे निकालते हैं तो WL/6 होता है, ये WL/3 होता है। अगर ये W है और ये L है, ठीक है, निकाल लोगे तो इसका SFD कैसे ड्रॉ करोगे? इसका SFD करोगे जैसे कि जहाँ पे, अब हम यहाँ तो बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ लोड WL/3 आएगा और यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम लोड है, पे क्या है? मैक्सिमम लोड है। तो इसका क्या करेंगे? यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड द शियर फोर्स डायग्राम सपोर्टेड टू द पैराबोलिक। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ऐसा ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और ये ऐसा ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ ये शियर फोर्स डायग्राम इसका ये नहीं है। इसका SFD हो जाएगा जहां पे लोड जीरो हो रहा है वहां पे क्या है? हाँ, जहां पे ये वाला WL/3 यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम लोड है, तो मैक्सिमम लोड है तो यहाँ पे क्या होगा? शियर फोर्स जीरो नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोड जीरो तो शियर फोर्स, यहाँ पे स्लोप जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ये 2D होता है, ये 2 डिग्री होता है, तो पैराबोलिक होता है, लीनियरली वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो जाएगा। अब आपको मैं एक कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ, इसको मिटाइए, इसको मैं मिटाता हूँ और यहाँ पे एक कंसेप्ट नोट करता हूँ। देखिए, अगर ये आपका यहाँ पे अगर टाइप ऑफ लोडिंग होगा, ये लोडिंग है और ये क्या है आपका? शेप ऑफ SFD होगा, शेप ऑफ SFD, और ये आ जाएगा शेप ऑफ BMD, शेप ऑफ BMD। ठीक है, चलिए लोडिंग में क्या आएगा? पहला आएगा अगर कोई नो लोड हो, पहला अगर कोई लोड ना हो, तो अगर कोई लोड ना हो तो SFD क्या होता है? लीनियर स्ट्रेट लाइन, लीनियर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और अगर हम यहां बात करें शेप ऑफ BMD की, तो ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। और अगर यहाँ पे UDL हो, अगर ये आपका लोडिंग है, तो अगर आपका ये UDL है, ठीक है, चलिए UDL है, UDL में क्या हो जाएगा? इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे अगर हम BMD की बात करें तो 2 डिग्री कर्व, और UBL के केस में क्या लिखेंगे? UBL के केस में 2 डिग्री कर्व, और यहाँ पे लिखेंगे 3 डिग्री कर्व, क्यूबिक पैराबोला, और ये हो गया पैराबोला। ठीक है, ये भी और पैराबोला, ये इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द शियर फोर्स डायग्राम ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज पैराबोलिक। सिंपली सपोर्टेड बीम का अगर शियर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक है तो उसके पॉइंट पे क्या होगा? UBL होगा। ठीक है, 351 का हो गया, 352 पे आते हैं।
352 पे द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ बीम अकर वेयर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ बीम अकर वेयर कहाँ होगा, जहाँ पे क्या होगा, शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा होगा क्या, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वही होता है यहाँ पे, शियर फोर्स क्या होता है यहाँ पे, अगर ये लोड है, अगर ये पी है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी इसी पॉइंट पे होता है, ठीक है, ये हमने देख लिया था। ठीक, अब आपको चलिए यहाँ पे कहना मैक्सिमम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 352 का, 352 का आंसर हो जाएगा शियर फोर्स यहाँ पे चेंज कर रहा होगा। ठीक है, इसका एसएफडी भी बना के देख लीजिए, यही ना है एसएफडी, और यही पे क्या हो रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है। हाँ थोड़ा तबीयत खराब है, इसको मैनेज कर लेंगे। यहीं पे होता है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, तो शियर फोर्स कहाँ पे, जहाँ पे चेंज कर रहा होगा वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ बीम अकर वेयर शियर फोर्स चेंजेस फाइन हो जाएगा। 353 पे आइए, द पॉइंट वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज जीरो आफ्टर द चेंजिंग द साइन, पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट इज जीरो आफ्टर द चेंजिंग अ साइन, जीरो आफ्टर द चेंजिंग ऑफ साइन एंड पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कंट्रा, पॉइंट ऑफ फेलियर, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम शियर फोर्स और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जब जहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रहा होगा, द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट जीरो कहाँ होता है, बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है जहां पे पॉइंट ऑफ, उस पॉइंट बेंडिंग मोमेंट जीरो कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर पे होता है। ठीक है, आपको अभी बता के रखा था, इसका आंसर हो जाएगा क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, 352 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर हो जाएगा, 352 का बी हो जाएगा। 354 पे आइए, 353 हो गया, 354 पे आइए, 354 पे आइए, 354 पे कह रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, सिंपली सपोर्टेड एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड यूनिफॉर्म लोड एट हियर एट द पॉइंट ऑफ जीरो शियर फोर्स द बेंडिंग मोमेंट विल बी, पॉइंट ऑफ जीरो शियर फोर्स, अगर ये कोई यूनिफॉर्मली सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूवीएल है, यूनिफॉर्मली here the point is zero, then shear force here at the point zero shear force, then the bending moment, जहाँ पे shear force zero होगा वहाँ पे bending moment क्या होगा, maximum होगा। ठीक है, तो यहाँ पे maximum हो जाएगा, इसका लेके चलिए, इसका 354 का, 354 का आ जाएगा maximum bending moment होगा, जहाँ पे shear force zero वहाँ पे bending moment zero, bending moment क्या होगा, maximum bending moment होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रिज्मेटिक बीम ऑफ लेंथ एल फिक्स्ड एट बोथ एंड कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर फ्रॉम आइदर एंड। देखिए अभी आपको मैंने एक चीज बताया था कि अगर ये फिक्स्ड बीम है, ये आपका क्या बोल रहा है कि फिक्स्ड बीम है, और प्रिज्मेटिक बीम ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, और इस पे क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है, तो इसका, इस केस में आपको मैंने बताया था, इस केस में क्या लिखते हैं, इसका लिखते हैं फिक्स्ड इन मोमेंट। ठीक है, फिक्स्ड इन मोमेंट कितना लिखते हैं, फिक्स्ड इन मोमेंट लिखते हैं डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, और ये हो जाएगा कितना, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। ठीक है, तो इसको लिख के आगे बढ़ते हैं, ठीक, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, चलिए ठीक है, तो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फ्रॉम द आइदर एंड, तो इसके लिए तो हमको बीएमडी बनाना पड़ेगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के लिए, और आपको बीएमडी बता रखा था, यूडीएल है तो पाराबोलिक वेरिएशन होगा, अभी बता क्या है, ये यूडीएल है तो ये क्या होगा, पाराबोलिक वेरिएशन होगा, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन है, पाराबोलिक वेरिएशन होगा, तो ये वैल्यू कितना होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, ये भी डब्ल्यू फिक्स्ड इन मोमेंट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 ही होगा, और ये डिस्टेंस कितनी, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 24, और यहाँ से अगर हम बात करें, यही है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, तो इन दोनों की बात करें तो कितना लिखेंगे, 0.211 और 0.211 एल हो जाएगा, 0.211 एल, 0.211 एल, और अगर हम इसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्लेक्चर की बात करें तो इसको कितना लिखते हैं, 0.0.788 एल, 0.78
ये हो गया। और इस पॉइंट से और इस पॉइंट के कंट्राफ्लेक्चर का वैल्यू निकालना होगा, तो इन दोनों को घटा दीजिए, इसमें से और इसमें से घटा दीजिए, तो ये वैल्यू आता है 0.577L, 0.577L, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, यही आपका आंसर। और इसमें आ जाइए, क्या बोल रहा है कि 0.211L होता है, तो प्रिज्मेटिक इतना L, और इसका आंसर के आप मैच करिए 0.207L, 207L और 0.2117L, 0.277L और 0.25L, 0.25L दे रखा है। तो ये इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 355 का आंसर मिला लीजिए अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2117L, ठीक है। तो करीब करीब 0.211 ये वैल्यू मैच कर रहा है, 7 नहीं है, तो चलिए कोई नहीं, हो सकता है 7 हो। तो इसका आंसर द प्रिज्मेटिक बीम द वेवलेंथ आर फिक्स्ड एट बोथ इन कैरियर यूनिफॉर्म डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर 0.211L, ठीक है। तो ये हो जाएगा 355, 355 का आंसर क्या हो गया, 355 का आंसर हो गया बी, 356 पे आइए। अ कैंटिलीवर बीम ऑफ बीम इज द वन व्हिच सपोर्टेड विद, कैंटिलीवर बीम क्या होता है, कैंटिलीवर बीम होता है एक फिक्स सपोर्ट होगा, दूसरा फ्री हिंज होगा, तो क्या होता है, वन फिक्स्ड इन, वन इन फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री, 356 का आ जाएगा क्या, यही आंसर है, 356 का आंसर हो जाएगा बी, वन इज फिक्स्ड एंड अदर इज बीम, वो तीन डी जा रोलर नहीं है, सब कुछ नहीं था, वन इन हिंज और नहीं है भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। द वन इन फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री, ये होता है कैंटिलीवर बीम। 356 हो गया, 357 पे आइए, 357 पे बोल रहा है क्या, 357 पे बोल रहा है द बेंडिंग मोमेंट ऑफ द बीम मैक्सिमम व्हेन, बेंडिंग मोमेंट ऑफ द बीम व्हेन मैक्सिमम, व्हेन बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मैक्सिमम होगा, ये आपको पता क्या हुआ है, तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, जहां पे शियर फोर्स जीरो होगा, बीम में पूछ रहा है, बीम में पूछ रहा है, तो वहां पे कहाँ होगा, जहां पे शियर फोर्स क्या होगा, जहां पे शियर फोर्स टाइम चेंज कर रहा होगा, या फिर शियर फोर्स क्या हो रहा होगा, ये या फिर शियर फोर्स क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा, तो वहीं पे हो रहा होगा मैक्सिमम या माइनस जीरो हो रहा होगा, तो 357 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 358 पे आते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लंगर देन द स्पैन ग्रेडल मूव्स फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, देन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द स्पैन अकर्स व्हेन द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑक्यूपाइज होल ऑफ द स्पैन, अगर ये कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वाला है, यूनिफॉर्मली लॉन्गर देन द स्पैन, अगर ये स्पैन मेरा छोटा है, तो इसका यूडी ये क्या होगा, डिफ्लेक्शन से भी यही आएगा, जब ये पूरा पे ले लेगा तब ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे देगा, ठीक है, तब ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे देगा। तो 358 का आंसर क्या लिखेंगे, 358 का लिखेंगे क्या कि इसका आंसर हो जाएगा क्या, होल स्पैन का हो जाएगा, होल स्पैन ऑफ द ग्रेडर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 358, 359 पे आइए, 358 के बाद 359 पे आए, फॉर नो टॉर्जन द प्लेन ऑफ बेंडिंग शुड, फॉर नो टॉर्जन प्लेन ऑफ बेंडिंग शुड बी पैरेलल वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, फॉर नो बेंडिंग बोल रहा है ना, फॉर नो नो टॉर्जन, एक मिनट For no torsion, the plane of bending. For no torsion, the plane of bending should be parallel to the principal axis. Pass through the shear. No torsion बोल रहा है. No torsion. Plane of bending should be 359 पे. Plane of bending should be passed through the shear center of the beam. देखिए अगर कोई ये channel है. अगर ये चैनल ये कोई चैनल है तो इसके बाद अगर ये इसका शियर सेंटर निकाले, शियर सेंटर कहीं करीब ये लग रहा होगा, तो टॉर्जन नहीं होने के लिए शियर सेंटर पे क्या होगा, लोड लगे तो टॉर्जन इसमें नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट है, आप शियर फ्लो वाले चैप्टर में पढ़ोगे इसको, ठीक है, तो आपने पढ़ा भी होगा, पास्ट थ्रू द शियर सेंटर से हो जाएगा,
ठीक। और इसके बाद आते हैं 369। अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंड रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोज। अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अ बीम विच एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेसेस आर सेम एट ऑल द क्रॉस सेक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। अ बीम इन विच एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेसेस आर सेम एट ऑल द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। और उसके बाद क्या हो रहा है कि अ बीम होल विच द मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट द एक्सिस ऑफ बेंडिंग कॉन्स्टेंट और ऑल द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। और इसके बाद बोल रहा है क्या, अ बीम इन विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस अक्रॉस द डेप्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म एट ऑल द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। यही होता है, द बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग। द बीम इन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस अक्रॉस द डेप्थ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म ऑल द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज यूनिफॉर्म ऑल द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। यही आपका आंसर है। अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। द यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्या होता है, अ बीम विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस अक्रॉस द डेप्थ इज कॉन्स्टेंट। ये होता है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का। चलिए 361 पे आते हैं। थोड़ा तबियत डाउन है इसलिए थोड़ा मैनेज कर लेंगे। अब फिक्स्ड बीम सपोर्ट बोथ एट इन हैविंग हैविंग टी स्पैन और डब्ल्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्टिंग ऑन टी नहीं है, बोथ एंड्स हैविंग एल स्पैन है, ये एल होगा एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन देन फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट। इफ अब फिक्स्ड बीम बोल रहा है ना, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 ये आपको बता रखा है, अभी पीछे बता के आया था, ये और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इस केस में क्या लिखते हैं, फिक्स्ड इन मोमेंट कितना लिखते हैं, फिक्स्ड इन मोमेंट लिखते हैं क्या, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 और डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। इसका आंसर हो जाएगा कितना, 361 का आंसर हो जाएगा सी, 361 का आंसर डब्ल्यू एल क्यू बाय 12 नहीं मानेंगे, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 मानेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए, 361 का आंसर हो जाएगा ए। 362 पे आइए, 362 पे अब फिक्स्ड बीम ऑफ एल सब्जेक्टेड टू अ क्लॉकवाइज मूवमेंट एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द इंडी। चलिए ये फिक्स्ड इंड है, ये कोई डिस्टेंस है ए और यहाँ पे मोमेंट लग रहा है एम, देन फिक्स्ड इन मोमेंट एट द इंड ए विल बी। देखिए तो यहाँ पे फिक्स्ड इन मोमेंट एम की वजह से क्या लिखते हैं, अगर हम ये है तो ये क्या है, ये बी है और ये टोटल लेंथ क्या होगा, एल होगा, तो एल इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए प्लस बी। ठीक, अब यहाँ पे लिखिए एम इंटू बी, इसका अगर हम ये लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम इंटू बी एल माइनस टू ए, एम इंटू बी एल माइनस टू ए और एम इंटू ए एल माइनस एम इंटू ए एल माइनस टू ए एल माइनस एम इंटू एल माइनस टू, इसको क्या लिखेंगे, सॉरी टू बी, इसके लिए ये आपका आंसर है ना, एम टू बी माइनस ए लिखते हैं, टू बी माइनस एल माइनस टू ए, एल माइनस टू ए भी लिख सकते हैं, या फिर इसमें किसके टर्म में दे रखा है ये देखिए, ये सॉरी ये बीम और डिवाइड बाय एल स्क्वायर भी तो होता है, ये एल स्क्वायर, सॉरी इसको मैं पूरा से प्रॉपर लिखता हूँ, देखिए ये कोई आपका बीम है। ठीक है, ये कोई आपका बीम है। ठीक, और उसके बाद हम बात करते हैं कि ये कोई आपका बीम हो गया, इसमें बोल रहा है कि ये कोई फिक्स्ड इंड है, ये आपका फिक्स्ड इंड है और ये आपका बोल रहा है कि यहाँ पे कोई सब्जेक्टेड टू अ क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो ये को क्लॉकवाइज मूवमेंट है और ये डिस्टेंस दे रखा है आपको ए और ये डिस्टेंस दे रखा है आपको बी। ठीक है, ये डिस्टेंस दे रखा है आपको बी, तो अब बोल रहा है कि मोमेंट बताइए, तो इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या लिखते हैं, इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट लिखते हैं एम बी एल माइनस टू ए, एम इंटू बी और इसको लिखते हैं क्या, बी माइनस टू ए,
बी माइनस टू ए, और इसको लिखते हैं एम ए और बी माइनस टू बी माइनस ए, टू बी माइनस ए। तो अब इसको सॉल्व करना है, अब इसमें सॉल्व करके और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आइए, तो हाँ इसको एम बाय ए एल स्क्वायर और बाय एल स्क्वायर, ठीक है। तो एम बी के जगह पे क्या रखिए, एल प्लस ए इक्वल ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू एल। तो अभी हम यहाँ पे बी के जगह पे रखेंगे, बी के जगह पे क्या रखेंगे, एल माइनस ए, और ये क्या है, बी के जगह पे एल माइनस ए रखिए, एल माइनस ए माइनस टू ए, तो बाय एल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, एम एल माइनस ए और एल माइनस थ्री ए बाय एल स्क्वायर, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ ये। तो मोमेंट एट ए पे बोला है, एक ए के डायरेक्शन में बोला, तो एम एल माइनस ए, एम एल माइनस ए और एल माइनस थ्री ए बाय एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या ये आ जाएगा आंसर आपका 362 का ए, 362 का आंसर आ जाएगा ए। 363 पे आइए, 363, 363, 363 पे आइए। द मोमेंट एम इज अप्लाइड एट द प्रॉब्ड इंड ऑफ अ प्रॉब्ड कैंटिलीवर बीम ऑफ एन फिजिकल रिजिड एंड द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई, द मोमेंट एट द फिक्स्ड इंड, फिक्स्ड इंड पे बोला था, मोमेंट एम इज अप्लाइड एट द प्रॉब्ड इंड, अगर ये प्रॉब, अगर ये फिक्स्ड इंड है और ये कोई प्रॉब्ड इंड है, ठीक है। और इस पे बोल रहा है कि अगर हम ये मोमेंट लगा दें तो सेम डायरेक्शन में मोमेंट डेवलप हो जाएगा एम बाई टू का, फिक्स्ड इन पे। द मोमेंट अप्लाइड एट द हिंज और पिरामिडिक प्रॉपर्टी कैंटिलीवर देन द मोमेंट एट द फिक्स्ड इन एम बाई टू हो जाएगा। 363 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 364 पे आइए, 364 पे आते हैं, 364, 364। अब फिक्स्ड बीम लोडेड एज शोन इन द फिगर, देन फिक्स्ड इन मोमेंट एट द सपोर्ट ए, इस सपोर्ट पे आपको फिक्स्ड इन मोमेंट बोला है। तो फिक्स्ड इन का मोमेंट अगर हम लिखेंगे तो इसमें कितना लिखेंगे, ये होता है देखिए, जब जहां पे कम होगा यहाँ पे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू 20, और जहां पे ज्यादा होगा इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, फिक्स्ड इन मोमेंट पे, फिक्स्ड इन मोमेंट की बात कर रहे हैं ना। तो जहां पे कम है, जहां पे ज्यादा है वहां पे क्या लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे 30, ये हो जाएगा डब्ल्यू एल बाय, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 30 और डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 20, ठीक है, यही लिख के चलेंगे, डब्ल्यू एल स्क्वायर, सॉरी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 20 और डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 30, ये लिख के चलेंगे, ठीक है। चलिए, और अगर ये हिंज हो जाता, अगर ये है, अगर ये यहाँ पे हिंज हो जाता या फिर कोई रोलर सपोर्ट होता और ये यहाँ पे फिक्स होता, तो इस पे मोमेंट क्या होगा, इस पे तो जीरो आएगा, लेकिन इसकी बात करेंगे तो इस पे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 15 लिखेंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 13, 364 का आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय, अ फिक्स्ड बीम इज लोडेड इन द फिगर, 364 का ना, 364 का डब्ल्यू है तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 20 हो जाएगा, ये पे पूछा है, 364 का आंसर हो जाएगा बी। 365 पे आइए, द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ बीम एंड नॉर्मल टू द ट्रांसवर्स प्लेन बीम सब्जेक्टेड टू अ प्योर बेंडिंग मोमेंट, तो प्योर बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, 365 का आंसर हो जाएगा प्योर, द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ बीम एंड नॉर्मल टू द ट्रांसवर्स प्लेन, नॉर्मल टू द ट्रांसवर्स प्लेन। तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा क्या, 0 डिग्री, 0 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, फॉर इच स्पैन ऑफ टू, इच स्पैन ऑफ टू, इच स्पैन ऑफ अ टू स्पैन कंटिन्यूस बीम यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म फ्लेक्सर रिजिडिटी 6 मीटर, ऑल द थ्री सपोर्ट्स आर सिंपल सपोर्ट्स, इट इट कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 20 किलोन्यूटन ओवर द लेफ्ट
स्पैन ओनली देन द मोमेंट ऑफ द मिडल थर्ड स्पैन, क्या बोला है, टू स्पैन का कंटिन्यूअस बीम है, टू स्पैन का चलिए कंटिन्यूअस बीम बना दीजिए और ये एक कंटिन्यूअस बीम हो गया, ठीक है। तो टू स्पैन का कंटिन्यूअस बीम हो गया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है कि लेफ्ट इन पे यूडीएल है 20 किलोन्यूटन पर मीटर का, 20 किलोन्यूटन द लेफ्ट स्पैन ओनली देन द मोमेंट एट द मिडल सपोर्ट, इस पे मोमेंट बोल रहा है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसको पार्ट वाइज कर लेते हैं। ये हो गया, इस पे चलिए मोमेंट एम लगा दिया, एम बी लगा दिया, और इस पे मोमेंट एक अगला पार्ट हो जाएगा आपका ये, तो इस पे भी एम बी लगा दिया। तो दोनों का मोमेंट क्या होगा, ए बी में, ए बी में और बी सी में, बी सी में बराबर होगा। तो मोमेंट एट ए बी इक्वल टू मोमेंट एट, नहीं मोमेंट नहीं, थीटा को, स्लोप को बराबर करिए स्लोप को बराबर करेंगे, थीटा ऑफ ए बी इक्वल टू थीटा ऑफ बी सी, यही होगा थीटा ऑफ बी सी, और ये थीटा ऑफ ए बी, थीटा ऑफ ए बी को थीटा ऑफ बी सी, थीटा ऑफ ए बी लिखिए मोमेंट, पहले तो यूडीएल की वजह से लिखिए। तो अब सिंपली ये सिंपली सपोर्टेड बीम और यूडीएल लगा हुआ है, तो थीटा क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एल क्यू बाय 24 ई आई और प्लस मोमेंट की वजह से, अगर मोमेंट की वजह से थीटा लगा, किसी पॉइंट पे मोमेंट लग रहा होगा तो उस पे, तो उसको क्या लिखते हैं, एम बी एल स्क्वायर बाय 2 ई आई मोमेंट एट बी, और डब्ल्यू एल स्क्वायर अवर 2 ई आई लिखते हैं मोमेंट एट बी इंटू एल, मोमेंट इंटू मोमेंट एट बी इंटू एल एम बी एल बाय 3 ई आई, एम बी एल बाय थ्री आई, और ये क्या हो जाएगा, एम बी एल बाय थ्री ई आई, ई आई ई आई ई आई कट गया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, डब्ल्यू एल क्यू बाय 24 ई आई इक्वल टू माइनस टू एम बी, टू एम बी 2MB, टू एम बी एल बाय थ्री ई आई, ठीक है, L से L गया तो L स्क्वायर बच गया, ठीक, और EI से EI कट गया, और तीन से आठ मरतबे ये कट गया, आठ 16, तो ये कितना हो गया, माइनस एम बी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस माइनस एम बी इक्वल टू हो गया कितना, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 16, ठीक है। अब W क्या रखा है, W दे रखा है आपको 20 और L कितना दे रखा है 6, और ये 6 मीटर का भी है, ये भी 6 मीटर का है, 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 16, तो इसको काटिए, ये हो गया कितना 36, 36 चार नंबर 36 और चार चौक 16 चार पंच 20, ये हो गया 45 किलो न्यूटन मीटर, और ये कितने आएगा माइनस में, माइनस क्या होगा, हॉगिंग, हॉगिंग होगा 45 में हॉगिंग हो जाए। 360 का आंसर क्या, 366 का, 366 का आंसर क्या लेके चलेंगे, 366 का आंसर लेके चलेंगे कितना, इसका आंसर लेके चलेंगे 45 किलोमीटर हॉगिंग, 45 किलो न्यूटन मीटर हॉगिंग, 366 में 367 में आते हैं। अ प्रॉप कैंटिलीवर बीम ए बी इज फिक्स्ड एट बी, फिक्स्ड एट बी सब्जेक्टेड टू अ एक्शन ऑफ कपल एट द मोमेंट एट द एंड ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिएक्टिव मोमेंट। पहले तो प्रॉप कैंटिलीवर बनाइए, प्रॉप कैंटिलीवर बनाएंगे, प्रॉप कैंटिलीवर बनाएंगे तो और यहां पे लग रहा है एम, तो रिएक्टिंग मोमेंट बोल रहा है कितना हो जाएगा, रिएक्टिंग मोमेंट हो जाएगा एम बाई टू, तो एम बाई टू का कौन सा है, एम रिएक्टिंग मोमेंट ए पे लग रहा है, ए है तो रिएक्टिंग मोमेंट एट बी पे पूछ रहा है, तो एम बी, एम बी बाय टू एम ए बाई टू, तो इसका आंसर जो है 367 का, 367 का आंसर हो जाएगा क्या डी। चलिए 369 पे आते हैं, 368 पे आते हैं। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम ऑफ एल लोडेड विथ यूडीएल, प्रॉप्ड कैंटिलीवर है
और लोडेड विथ यूडीएल है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर है विथ लोडेड यूडीएल यूनिटेड थ्रू आउट द स्पैन, देन द बाइंडिंग मोमेंट एट द फिक्स्ड इंड पूछा है। बाइंडिंग मोमेंट एट फिक्स्ड इंड पे कितना आ जाए, बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स्ड एंड पे निकालना है, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, कोई मोमेंट यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो पहले तो ये रिएक्शन निकाल लीजिए। रिएक्शन के रिएक्शन निकालने के लिए क्या लिखोगे, आर बी एल क्यू ओवर थ्री ई आई, क्योंकि बी बी एल क्यू बाई थ्री आई पॉइंट लोड। अगर इसको सिंपली सपोर्टेड अगर हम ऐसे मान के चले कि एक बार फिक्स्ड है और एक बार ये लगा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे मान के चले। तो पहला आर बी एल क्यू, पहले हम इसके लिए लिख रहे हैं आर बी एल क्यू ओवर थ्री आई और इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन ड्यू टू द पॉइंट लोड। तो ये क्या होता है, डब्ल्यू एल फोर बाय फोर्टी ए डी आई, डब्ल्यू एल फोर बाय फोर्टी एट ई आई, ई आई से ई आई कट गया, तीन से कट गया, सोलह तिया अड़तालीस, और ये कितना हो जाएगा, सोलह तिया अड़तालीस, तीन से डब्ल्यू एल फोर बाय ये कितना हो जाएगा, प्रॉपर्टी इंडेक्शन लिख लेना, डब्ल्यू एल फोर अवर एट ई आई, ये डब्ल्यू एल फोर अवर ये यूडीएल के केस में लिख रहे हैं ना, ये सिंपली सपोर्टेड काम ने लिख दिया है, ये नहीं होगा, यूडीएल के केस में लिख रहे हैं। तो डब्ल्यू एल क्यू बाई सिंपली सपोर्टेड में नहीं, फिक्स्ड इन में, ये क्या होगा, डब्ल्यू एल फोर बाय ए टी आई, डब्ल्यू एल फोर कैंटिलीवर, ये हो गया ना कैंटिलीवर विथ, कैंटिलीवर विथ यूडीएल, डब्ल्यू एल फोर अवर एट ई आई, ई आई से ई आई कट गया और एल क्यू से ये कट गया, तो ये कैल बच गया और डी ए नहीं, डब्ल्यू 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 रहेगा, डब्ल्यू रहेगा, ठीक है, डब्ल्यू रहेगा। चलिए तो क्या हो गया, तीन से ये तीन भी नहीं कटा, तीन भी नहीं कटा, ये मैंने तीन को तीन भी नहीं कटा, ठीक है। तो चलिए अब लिखते हैं आर बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, थ्री डब्ल्यू एल बाय एट, ये आ गया थ्री डब्ल्यू एल बाय एट। अब मोमेंट यहाँ पे पूछा है तो मोमेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, थ्री डब्ल्यू एल बाय एट इंटू कितना ये दे रखा है, अगर हम इसको मान लेते हैं कितना, एल लोडेड थ्रू आउट द बेंडिंग मोमेंट, एल मान लेते हैं तो इंटू एल, थ्री डब्ल्यू इंटू एल, और ये हो जाएगा कितना, माइनस W इंटू एल इंटू एल बाई टू, तो क्या लिखेंगे, थ्री डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, तो क्या लिखेंगे, थ्री डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस फोर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, ये घटा लीजिए, ये क्या हो गया, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट आंसर मिला लीजिए, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, तीन सौ अड़सठ, तीन सौ अड़सठ का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तीन सौ उनहत्तर पे आते हैं, अड़सठ 369 पे। द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन अ कैंटिलीवर बीम विथ कंसंट्रेटेड लोड एक्टिंग डाउनवर्ड एट द स्पैन ऑन द स्पैन कॉज्ड एट द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ अ कैंटिलीवर बीम, अगर ये कोई कैंटिलीवर बीम है तो इसका डिफ्लेक्शन कैसे लिखेंगे, इसका डिफ्लेक्शन लिखेंगे ऐसे, तो मैक्सिमम टेंसाइल नीचे तो क्या होगा कंप्रेशन, ऊपर में टेंशन, तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस एट टॉप फाइबर, एट टॉप फाइबर, टॉप फाइबर एट सपोर्ट, टॉप फाइबर एट सपोर्ट नहीं, टॉप फाइबर एट मिड स्पैन, टॉप फाइबर एट क्या होगा, मिड स्पैन हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, टॉप फाइबर एट 369। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ अ कैंटिलीवर बीम विद कंसंट्रेटेड लोड एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन द स्पैन इज कॉज्ड एट द टॉप फाइबर एट द मिड स्पैन, बॉटम फाइबर में कंप्रेशन आएगा और टॉप फाइबर एट सपोर्ट, सपोर्ट के टॉप फाइबर पे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ आएगा, सपोर्ट के टॉप फाइबर पे, सपोर्ट के टॉप फाइबर पे, सॉरी ये सेंटर पे नहीं, ये मिड स्पैन पे नहीं आएगा, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस आएगा फाइबर के सपोर्ट के उस पे आएगा, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 368 का डी, 370 का डी, 370 पे है, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रल कंसंट्रेटेड लोड इफ द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द बीम इज डबल,
while the retaining with the same elastic properties, then the deflection at the center of the beam with respect to the original deflection at the will be reduces to, ठीक है, 370 में कह रहा है कि असिम्पली सपोर्टेड बीम है, ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन सब्जेक्ट टू सेंट्रल कंसंट्रेटेड लोड डब्ल्यू, डब्ल्यू है, इफ द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द बीम इज डबल्ड, विड्थ और डेप्थ का डबल कर रहा है, तो इसका डिफ्लेक्शन लिखिए, डिफ्लेक्शन क्या लिखते हैं, पी एल क्यू जो अभी लिख दिया, पी एल क्यू बाई 48 ई आई, और डब्ल्यू एल क्यू पी एल क्यू और भी कर लीजिए 48, तो 48 ही रहेगा, E तो E रहेगा, आई बी डी क्यू अब 12 लिखते हैं, तो बी डी क्यू बाई 12, तो B का को लिखेंगे 2B और 2D क्यू बाई 12, तो इसको क्या लिखेंगे, पी एल क्यू बाई 48 E और 2 × 4 × 8 = 16 इंटू आई बी डी क्यू बाई 12 को ये फिर से ये आई लिख दिया, तो अब बोल रहा है कि देन द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ द बीम विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ठीक है, तो अभी फिलहाल करते हैं डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2 करते हैं, तो पी एल क्यू बाई 48 ई आई इंटू ये ऊपर चला जाएगा 16 इंटू 48 ई आई डिवाइड बाई पी एल क्यू, पी एल क्यू पी एल क्यू क्या गया 48 48 कट गया, तो ये क्या हो गया डेल्टा 1 इक्वल टू क्या हो गया 16 टाइम डेल्टा 2, डेल्टा 1 इक्वल टू 16 टाइम डेल्टा 2। अब आइए देन द ओरिजिनल डिफ्लेक्शन के कंपेरिजन में कितना रिड्यूस हो रहा है, तो परसेंटेज रिडक्शन लिख दीजिए किसके कंपैरिजन में ओरिजिनल, इसके क्या किसके कंपैरिजन में बोल रहा है कि सॉरी ये जो डेल्टा टू है ये ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में कितना कम हो रहा है, तो डेल्टा वन लिखेंगे, तो डेल्टा वन डेल्टा टू को लिखेंगे कितना, डेल्टा डेल्टा वन को लिखेंगे, डेल्टा टू को डेल्टा टू ही लिखेंगे, डेल्टा वन को लिखेंगे 16 डेल्टा वन डेल्टा टू इंटू 100, तो डेल्टा 2 से डेल्टा 2 कट गया, तो यहाँ क्या हो गया 100 बाई 16, ये हो गया कितना 100 बाई 16, 100 बाई 16 हो गया 16 × 6 = 96 6.25%, 6.25%, ठीक है, तो चलिए अब आगे करते हैं, क्या हो गया इसको 6.25%, इसका आंसर हो जाएगा कितना 370 का आंसर हो जाएगा आपका डी, चलिए ठीक है 370 का ये आंसर हो जाएगा ई, 370 का हो गया 371 पे आते हैं। अब द थ्योरम ऑफ द थ्री मोमेंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द कंटिन्यूअस बीम इज नोन एज कैलप्रन्स इक्वेशन, इसको बोलते हैं कैलप्रन्स इक्वेशन, 371 का होगा 372 में, सिंगल कंसंट्रेटेड लोड डब्ल्यू रोलिंग ओवर द स्पैन ऑफ एल कॉजेज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड द शियर फोर्स ऑन अ सेक्शन एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट देन द लोड ऑन द सेक्शन विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, क्या होगा इसके लिए एक फॉर्मूला आता है डब्ल्यू एक्स इंटू डब्ल्यू इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स बाई एल, डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स बाई एल, ये हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, इसका आंसर हो गया बी। चलिए 373 पे आते हैं, 373 पे आते हैं, अब प्रिज्मेटिक बार व्हेन सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग एज्यूम द शेप ऑफ, प्रिज्मेटिक बार है और कह रहा है कि एज्यूमेटिक प्योर बेंडिंग लगा हुआ है, प्योर बेंडिंग लगा हुआ है, तो बोल रहा है कि इसका शेप क्या हो जाएगा, तो आर्क ऑफ सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये बेंडिंग लग रहा है तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप अगर हम करते हैं तो ये करीब करीब ये आर्क ऑफ सर्कल में ही हो जाता है कन्वर्ट, तो इसलिए बोलते हैं इसको कि ये आर्क ऑफ सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 374 में आइए, 374 में वेयर द मेंबर इज बिल्ट इनटू द मेसनरी वॉल डेवलप्स ओनली द पार्शियल रेजिस्टेंस देन द मेंबर शैल बी डिजाइन टू रेजिस्ट नेगेटिव मोमेंट ऑफ द फेस सपोर्ट ऑफ is that the WL of the total length L is the effective span, तो इसका आंसर क्या होता है कि when the member is built up in the masonry wall,
मेसनरी वॉल में अगर कोई बिल्डअप किया होगा तो उसका रेजिस्टेंट कितना होता है, ये होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 24, ये हो जाता है आपका आंसर डी। 25 में आइए, 25 में व्हेन द बीम इज लोडेड ट्रांसवर्सली देन द मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप्ड ऑन, कहाँ होगा? तो ये बोल रहा है कि जब अगर किसी बीम, व्हेन द बीम इज लोडेड ट्रांसवर्सली देन द मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ पे डेवलप होगा, तो बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है टॉप फाइबर पे। अगर कोई एक बीम है और यहाँ पे अगर कोई लोड लग रहा होगा तो इस पे क्या होगा, इस पे कंप्रेशन, नीचे टेंशन, तो क्या क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस का, मैक्सिमम ट्रांसवर्स लोड लग रहा है तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप एट टॉप फाइबर, तो इस पे हो जाएगा क्या, टॉप फाइबर पे। तो 76 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बीन सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग इन द फॉलोइंग। देखिए अभी ये कंसेप्ट आपको बताया था मैंने कि प्योर बेंडिंग कहाँ होगा, जहाँ पे शियर फोर्स, वो बेसमैन जहाँ पे शेयर फोर्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा मतलब जीरो रह जाएगा, उसी को बोलते हैं प्योर बेंडिंग। तो अभी अब इसका अभी हमको एस एफ डी ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी देख लीजिए, दो दो और एक मीटर का है तो नहीं होगा, लोड इक्वल डिस्टर्ब नहीं होगा। तो अभी आप क्या करिए कि इसका ये निकाल लीजिए, अरे प्लस आर बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 50, और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी के अबाउट हम जीरो लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, आर ए इंटू 5 और इक्वल टू 20 या 60 और 30 90। इसको हम पूरा, मैं अगर पूरा क्लियर लिख दूं तो आपको ऐसे लिख सकता हूं मैं, मोमेंट अबाउट जीरो लिखते हैं तो आर ए इंटू एल, आर ए इंटू एल लिखेंगे तो टोटल लेंथ कितना है 5 मीटर का, और टोटल लेंथ 5 मीटर का माइनस 20 इंटू 283 60 मीटर और माइनस 30 और इंटू 1 मीटर इक्वल टू जीरो। तो आर ए इंटू 5 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 20 या 60 30 90 90, आर ए इक्वल टू क्या हो गया 40 90 बटा 5 5 5 48 18 पंचे 90 18 किलोमीटर का आर ए आया, तो आर ए आ गया आपका 18 किलोमीटर का। तो आर बी कितना आ गया, 50 में से 18 घटा लीजिए, 50 में से 18 घटा लीजिएगा तो ये आ गया 10 में से 2 8 गया तो 2 और यहाँ बच गया कितना 4 4 में से 1 गया तो कितना हो गया 3 32 किलोमीटर। ये आर बी आर डी आ गया कितना 32 किलोमीटर, सॉरी ये आर डी है, आर बी नहीं है, ये आर डी है क्योंकि इस पॉइंट पे सपोर्ट है ना, आर डी है। तो मोमेंट अबाउट डी लिए हैं, आर डी आ गया कितना, आर डी आ गया 32 किलो न्यूटन का। अब एस एफ डी इसका ड्रॉ कर लीजिए कितना आ रहा है, इसका ड्रॉ कर लीजिएगा तो मैं, आप इधर से भी कर सकते हो और मैं इधर से भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं इधर ज़्यादा तरफ से करता हूँ, पहला तो आ गया 32 से ये लोड कहाँ तक आएगा कॉन्स्टेंट, उसके बाद आएगा 30, तो ये आ गया 30, तो 2 का बचा हुआ है, 2 कॉन्स्टेंट ही चलेगा, नहीं इसको एक मिनट अच्छे थोड़ा फ्रेश से लिखते हैं, ये बीएमडी का ही सारा कमाल है इसमें। तो आपको मैं एक पहले तो ये फोर्स लूंगा, ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी। पहला जाएगा कितना 32 किलोमीटर, 32 चला गया, ठीक, और ये कांस्टेंट आ गया, इस लोड पे कितना है 30 किलोमीटर, तो ये आ गया आपका 30, उसके बाद क्या है, ये कांस्टेंट ही चलेगा, ये कांस्टेंट ही चलेगा, और यहाँ पे क्या है 20 किलोमीटर, तो नीचे कितना आ गया 18, नीचे आ गया कितना, ये अगर 2 है तो ये 18 20 नीचे आ गया, और यहाँ तक, और इसके बाद अगर हम चलते हैं तो यहाँ तक जो है आपका यहाँ पे आके 18, ठीक है 18 हो गया, ये 18 हो गया, इसके आगे इधर का मिटा दीजिए, हम इधर का मिटा के चलेंगे तो ये आ गया 18, ठीक है। अब क्या है कि बोल रहा है कि क्या बोला था, प्योर बेंडिंग किस केस में होगा, प्योर बेंडिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी शियर फोर्स है, यहाँ पे भी 2 न्यूटन का शियर फोर्स है और यहाँ पे भी शियर फोर्स है, तो प्योर बेंडिंग किसी पार्ट में हो रहा है नहीं हो रहा है, तो अगर अगर ये कोई कांस्टेंट हो जाता तो प्योर बेंडिंग बोलते, अभी नहीं है तो 376 का हम आगे चलेंगे, क्या 376 का डी, ठीक है 376 का हो गया
डी 377 में चलते हैं। 377 में आंसर आ 377 का आंसर आएगा द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द ट्रेन ऑफ व्हील लोड ऑन द सिंपली सपोर्टेड बीम। आपको अभी बताया था तो अगर ये कोई आपका रेल होगा और इसमें कोई अगर ये ट्रेन मूविंग कर रहा है तो इसका व्हील होगा, तो व्हील के नीचे जहाँ पे भी होगा, जहाँ पे भी व्हील होगा तो इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम व्हील के ही नीचे होगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, तो व्हील के नीचे ही होगा। मैक्सिमम ट्रेन व्हील लोड सिंपली सपोर्टेड ग्रेडर सिंपली सपोर्टेड मैक्सिमम अकर्स अंडर द व्हील लोड। 377 का आंसर क्या लिख के चलेंगे, अंडर द व्हील लोड, ठीक है, अंडर द ऑलवेज अकर्स अंडर द व्हील लोड। 377, 378 पे आइए, 378 पे आते हैं, 378 पे आइए। इन द एडजेसेंट बीम लोडिंग यूनिफॉर्मली एट द इंटेंसिटी ऑफ ए यूनिट लेंथ देन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा है। अब इन द एडजेसेंट बीम लोडेड यूनिफॉर्मली एट द इंटेंसिटी ऑफ ए न्यूटन, ये ए यूनिट पर यूनिट लेंथ में दे रखा है, देन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा है, ठीक है। तो इसका आपको पहले क्या करना है कि एडजेसेंट बीम दे रखा है तो यानी कि ये एक बीम होगा और यूडीएल लगा होगा, यूनिफॉर्मली इंटेंसिटी डब्ल्यू ए यूनिट पर यूनिट लेंथ दे रखा है, पर यूनिट लेंथ दे रखा है। ए पर यूनिट लेंथ दे रखा है, ठीक है। देन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, अगर इसका हम बीएमडी बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, पहला बीएमडी ये, दूसरा बीएमडी ये और तीसरा बीएमडी इस टाइप का बनेगा, इसका बीएमडी ये बनेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैक्सिमम बीएमडी कहाँ होगा, ये मैक्सिमम बीएमडी ये होता है और ये कितना हो जाएगा, ये एल है, ठीक है। तो इसका बीएमडी कितना लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे अगर डब्ल्यू और ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये अगर एक्स है और एक्स है, ये दोनों का डिस्टेंस क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है और ये दे रखा है 2x, तो इसका मैक्सिमम बीएमडी अगर इस पे लिखेंगे, सपोर्ट पे लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, डब्ल्यू और ये यूडीएल लगा हुआ है तो डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू मैक्सिमम डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू यानी कि ए एक्स स्क्वायर बाय टू, डब्ल्यू की जगह पे ए दे रखा है ए एक्स स्क्वायर बाय टू, अगर ये डब्ल्यू है, अगर ये है तो ए एक्स स्क्वायर बाय टू, ए एक्स स्क्वायर बाय टू 378 का लेके चलेंगे, 378 का लेके चलेंगे ए एक्स स्क्वायर बाय टू। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं हो रहा है, मैं आपको ये पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी हम छोड़ के चल रहे हैं, इस क्वेश्चन को मैं, इसका क्वेश्चन अगले क्लास में जो है ना, मैं आपको पूरा इसका डेरिवेशन करके दे दूंगा क्योंकि तो इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे आपके, ठीक है। कम से कम 8-10 ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही, आपको घुमा फिरा के इसमें पूछ लेता है कि इकोनॉमिकल कितने पे होगा और वो कितने पे होगा। ये क्वेश्चन मैं स्टार मार्क करके चल रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को अगले दिन आपको पूरा डेरिवेशन के साथ बताऊंगा तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। अभी इसको छोड़ दीजिए, मेरा तबीयत थोड़ा सा डाउन हो रहा है, अभी इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं और क्लास को वाइंड अप कर देंगे, और बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन द एडजेसेंट बीम द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछ रहा है एडजेसेंट बीम का, ये भी एडजेसेंट बीम का ही है तो सेम उसी कंसेप्ट पे बनना है इसको भी, तो इसको भी मैं अभी छोड़ के चल रहा हूँ। और 380 पाइए, बीम कैरिंग जस्ट इट्सेल्फ लोड नीड्स टू बी सपोर्टेड ओनली टू कॉलम लेंथ देन द इक्वल ओवर हैंग ऑन बोथ साइड देन द बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पैन इज जीरो देन द रेशियो ऑफ एल बाय वो रखा है, ये भी उसी कंसेप्ट पे दे रखा है। देखिए कह रहा है कि लोड किया हुआ है तो बोल रहा है कि मिड स्पैन पे बताइए कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। आप कल डेरिवेशन में देखोगे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर हम लिख रहे होंगे मिड स्पैन पे तो क्या लिख रहे होंगे, डब्ल्यू बाई एट
एल स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर ये लिख रहे होंगे। तो बोल रहा है कि एल वाई वाई का रेशियो पूछ रहा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को यहाँ पे क्या करिए, जीरो कर दीजिए। तो इसको लिखेंगे जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू फोर ए स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, या फिर वाई दे रखा है ना, तो इसको वाई ही मान के चलिए आप, वाई मान के चलेंगे। इसको y मान के चलेंगे, अगर ये y y y डिस्टेंस पे है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सब गया। मैक्सिमम मोमेंट क्या लिखते हैं, w बाई एट एल स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर, और इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई स्क्वायर हो गया, तो एल स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, तो एल बाय वाई को क्या लिख सकते हैं, टू इसका स्क्वायर है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, एल बाय वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर, तो ये टू रूट चला गया, तो ये हो गया कितना, टू, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको टू। चलिए 380 का डी हो गया, 381 पे आते हैं, नहीं है। चलिए क्लास को अभी वाइंड अप करते हैं, लास्ट के ये जो आपको ये बीम अभी ये वाला है ना, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कल की क्लास में कोशिश करूंगा कि उसको अच्छे से मैं डील कर दूं, अभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। अभी आपको क्लास को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।